Hey guys, this is Sagar Veer and today we are back with a new podcast and today's guest is Akshay Joshi. ये इतने जोश से भरे हुए हैं ना, आपको पता नहीं है गाइस. जस्ट आप आओ, शोज पे आओ, इनको देखो परफॉर्म करते हुए कि क्या आग लगाते हैं. ये होस्ट करते हैं, राइटर है, कॉमिक कोई ऐसा है. टिपिकल तरीका है क्या ऐसे यूं यूं करके आने का लाइव? ये तो अपना तरीका है, जैसा है चल रहा है. अच्छा, आप बताओ अच्छा, कैसा चल रहा है, क्या क्या करते हो आप ये लॉकडाउन में? लॉकडाउन में कट रही है और करवा रहे हैं अपना, और कुछ खास तो नहीं चल रहा है वैसे. नेटफ्लिक्स देख रहा था मैं अभी. एक बहुत अच्छी फिल्म है, आपको मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, मड बाउंड करके. मड बाउंड 2017 में रिलीज हुई थी, नेटफ्लिक्स ओरिजिनल है. इट इज अ वेरी नाइस फिल्म. और वो मैं देख रहा था, आधी देखी थी लेकिन आपका 4 बज गई तो फिर फन लाइव आना. पॉडकास्ट टाइम. हाँ, तो टाइम पास ऐसे ही चल रहा है. आप बताइए. लाइक आपको याद है हम पहली बार कैसे मिले थे? हम पहली बार कहाँ पे मिले? पहली बार आई थिंक एक ओपन माइक. मैं बताता हूँ आपको, मैं आपके रिफ्रेश कराता हूँ. आप लोग ओब्लिवियन का ओपन माइक था, वो मेरे लाइफ का सेकंड परफॉर्मेंस है जो भी है. एंड वहां पे आप सुखी जी के साथ आए थे एंड हम दोनों एक हम आपसे बात भी हुई थी, दोनों से बात भी हुई थी परफॉर्मेंस के बाद. बट परफॉर्मेंस में आपका सेट था क्रिकेट पे, जो इंदौरी वाला आपने अपलोड भी किया है आपके यूट्यूब चैनल पे. अच्छा, आपको याद है वो? तो वो तभी मैं फर्स्ट टाइम मतलब रियल ओपन माइक था मेरे लिए वो. अच्छा, समझा. यस, एंड मैं फंबल हुआ था और मैं रुक गया था बीच में बात करते करते, और आप बोल रहे थे नहीं बोल. सो दैट वाज रियली हेल्पफुल फॉर मी. और एक और कंपटीशन में मैं और सागर वीर गए थे, जिसमें एक कॉलेज था जिसमें 200 लोग थे. अब जब सागर का टर्न आया तो इन्होंने 200 लोगों को तो नहीं हंसाया. He was laughing on his own jokes and we were laughing on him. वो बहुत ही embarrassing था मेरे लिए वो 200 लोग के सामने. मेरा तो मतलब like और उसमें हाँ हेलो हाँ बोलो बोलो. तो मैंने जो सेट लिखा था, जो मुझे परफॉर्म करना था, वो मैंने परफॉर्म किया ही नहीं. और आई डिड कम्प्लीटली डिफरेंट सेट, जो कि मैंने ओपन माइक में भी ट्राई नहीं किया, जस्ट मैंने लिखा है. एंड पता नहीं क्यों मेरे को डर लग गया, स्टेज पे जाके एंजाइटी हो गया. नहीं, ये होता है मतलब किसी भी परफॉर्मर के लिए, जब इतना बड़ा क्राउड आप देखते हो तो समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू पुल ऑफ. और वही हम धीरे धीरे ओपन माइक्स में सीखते हैं. So how did you started stand-up comedy? हाँ. ये आपके कैसा स्टार्ट हुआ है? ये काफी टाइम हो गया यार इसको स्टार्ट किए को. तो कितने साल हो गए होंगे? आई थिंक जैसे हमारे इमरान भाई हैं, ये आई यूज टू होस्ट विथ हिम इन TCS. ओके. तो जो आई थिंक शुरुआत हुई थी कंपनी में ही, TCS में. पहले तो थिएटर से थिएटर करना शुरू किया. हाँ, सो वी यूज टू हैव अ थिएटर क्लब कॉल्ड नौटंकी शाला, जहां पे हम लोग खुद अपने ओरिजिनल प्लेज लिख के परफॉर्म करते थे. तो वहां से थोड़ा स्टेज फियर वगैरह हट गया. वहां से कॉन्फिडेंस काफी सारा आया. कॉलेजेस में भी किया है एक दो बार, बट जो रियल कॉन्फिडेंस था वो कंपनी में जाने के बाद ही आया. तो ये जैसे इन्होंने बताया आपने ईयर, तो आई स्टार्टेड वर्किंग इन TCS इन 2012 में शुरू किया था. और ये वहां पे TCS कंपनी जो है हमारी, इतनी खूबसूरत ऑर्गेनाइजेशन है कि वहां पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को बहुत सारा मतलब बूस्ट मिलता था पुणे में. तो स्पेशली तो वहां दैट गेव मी द एक्सपोजर टू गो ऑन स्टेज एंड फील द ऑडियंस एंड एवरीथिंग. तो उससे हाँ, तो क्या हुआ, धीरे धीरे शुरू किया, फिर होस्टिंग करना शुरू की, फिर कुछ लिखना शुरू किया, फिर पोएट्री शुरू की, एंड देन आई वेंट टू अमेरिका. राइट, आपके व्लॉग्स देखे मैंने यूट्यूब पे. या हाँ, तो फिर मैं वहां पे रहा 3 साल. वहां पे मैंने रेडियो किया, आई वाज अ रेडियो जॉकी, एंड ऐसी बहुत सारी चीजें की. एंड देन आई रियलाइज, हिंदी और इंग्लिश? हिंदी में वहां पे. अच्छा, तो आपको अगर पता हो तो डैलस
नाम की एक सिटी है, मेरे काफी दोस्त है वहां, टेक्सास में पढ़ रहे, टेक्सास में, डालस टेक्सास। तो वहां पे लगभग 1 से 1.5 लाख देसी लोग थे। सो व्हेन आई से देसी मतलब इंडियन पाकिस्तानी बांग्लादेशी हर तरह के लोग थे, हिंदी उर्दू सब समझ में आती थी लोगों को। तो वहां पे फुल टाइम मैं जैसे ही लैंड हुआ वहां पे, तो मैंने देखा यहाँ पे FM पे बॉलीवुड गाने बज रहे हैं। मैंने बोला यार ये तो बड़ी बढ़िया काम हो गया ये तो। एंड एज सून एज आई लैंडेड मैंने सोच लिया था यार कुछ नहीं हुआ तो अब क्रिएटिव इंसान को कुछ ना कुछ तो ढूंढना पड़ता है ना। तो आई रियलाइज कि लेट्स डू दिस एंड लेट्स ट्राई टू फीचर योरसेल्फ एज एन RJ। सो देन आई डिड दैट। हाँ तो वो भी काफी मस्त हुआ। फिर आना था इंडिया एंड देन आई रियलाइज कि कॉमेडी और ह्यूमर लिखने में जो मजा आता है वो किसी और जॉनर में मुझे नहीं आता और उतना मजा नहीं आता है। एंड लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन एज दे से। तो अपन ने सोचा कि यार अभी थोड़ा जोक वोक लिखे जाए एंड लेट्स मूव इनटू दैट डायरेक्शन एंड इट कम्स नेचुरली टू मी लाइक कॉमेडी एंड ह्यूमर। तो दैट्स हाउ इट पेव्ड वे टू स्टैंड अप कॉमेडी वाला। आपने वहां ओपन माइक्स नहीं किए डैलस में? वहां पे किया था और वहां पे मैंने 2-3 बार किया, बट मेरा हमेशा से ऑब्जेक्टिव था हिंदी ऑडियंस जो है क्योंकि कोकेटर करना है। मध्य प्रदेश इंदौर से हूँ और मतलब मुझे अंग्रेजी में उतना मजा नहीं आता है ऑनेस्टली। और अमेरिकन क्राउड का जो है उनका कल्चर अलग है, अपना कल्चर अलग है, मेरी जो सोच है, मेरी जो अपब्रिंगिंग है उस हिसाब से मैं चीजें लिखता हूँ, तो इट नॉट केटर्ड टू देम। तो मेरा ऐसा था कि अपने को आके अपने लोगों के बीच में करना है। राइट, दैट वाज द प्लान। वो मजा आ गया, वो तालियां सुनने को अलग ही मजा है ना यहाँ पे। वो ऐसा लाइक हम लोग का क्राउड कैसा पागल होता है ना, जो अभी हम लोग स्कूल में किल कर रहे हैं या कॉलेज में किल कर रहे हैं या ओपन माइक में भी किल कर रहे हैं, तो वो वाइब अलग है बिकॉज हम लोग अपने नेटिव लैंग्वेज में कर रहे हैं, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है, वो सेकंड लैंग्वेज होती है। मतलब वो एक सीन है, वही ना, अपन सोचते अपनी लैंग्वेज में है तो इट इज मोर कन्विंसिंग कि आप जैसे हिंदी में बात कर रहे हो तो हिंदी में इफ यू आर कॉन्फिडेंट लोगों को भी मजा आएगा, तो वो वाली बात हो जाती है। और अपने देश में भी अभी हिंदी कॉमेडी का सीन, वैसे हमारा जो ऑब्जेक्टिव था मेरा और मेरे फ्रेंड का सुखी का, ये था कि आप देखो इंडिया में जितने भी बड़े कॉमिक्स हैं वो शुरू में जैसे वीरदास हो गया या बिस्वा, कनन गिल एंड ऑल ऑफ दीज गाइज, ये अंग्रेजी में करते हैं। अभी अभी जैसे जाकिर खान और बस्सी और ये सब लोग जो हैं वो हिंदी वाला ऑडियंस को काफी ग्रो हो रहा है, राहुल दुआ ये सब। तो वो, बट फिर भी मुझे लगता है कि जो कॉमेडी है इट शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू दिस एनी लैंग्वेज, क्लब वाला सीन या फिर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में। मतलब हर जगह होना चाहिए, आप बोल रहे हो हर जगह होना चाहिए। मतलब जैसे मैं इंदौर में हूँ, इंदौर में कवि सम्मेलन हुआ करते थे, तो वहां पे बचपन से हम देखते थे पोएट्स आ रहे हैं और होली के टाइम पे या ऐसी शाम को, ऐसी सुहानी शाम में शायरियां चल रही है, मजा आ रहा है लोगों को और उसकी कोई फीस नहीं होती है। तो व्हाट आई बिलीव इज कॉमेडी शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू पीपल हु कैन पे 200 रुपीज या 500 रुपए दे के एक क्लब में, एक एग्जॉटिक क्लब में जाके देखें। मतलब इट शुड बी फॉर एवरीवन, राइट? दैट्स द होल पॉइंट। तो वो ऑब्जेक्टिव से आगे बढ़े हैं और उसी तरह का कंटेंट लिखने की कोशिश करते हैं। एंड मतलब मुझे ये ब्रो डूड ये वाला कंटेंट मुझे नहीं आता या आप उसको ये करते हो कि रिटेलिएट करते हो कि ये चूते करिए? नहीं, मैं लिखता नहीं हूँ वैसे, क्योंकि अच्छा, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि जब आप लिख रहे हो कोई भी जोक तो इट शुड स्ट्राइक एज अ सरकैज़म टू समथिंग, बी इट सिस्टम, बी इट हैबिट ऑफ पीपल और एनीथिंग, जो मतलब कुछ ऐसा कटाक्ष जिसको बोलते हैं व्यंग। समझ रहा हूँ तो वैसा होना चाहिए जिससे कुछ फर्क पड़े। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने जोक मारा, लोग हंसे और चला गया वो। अगर मैं 100 लोगों के सामने कोई जोक मार रहा हूँ उसमें से 10 लोग भी मेरी जो इंटेंशन है, जो मेरा जो कमेंट है उस पर समझ पाए, तो वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए आई थिंक यहाँ पे। राइट, तो आप ऐसा बोल रहे हो कि हम लोग, मतलब जो आप, अगर आप कोई जोक बोल रहे हो तो उसके दिमाग में रिटेन हो जाए कि ये बंदे ने देख ऐसा जोक मारा था, अगर आपका पॉइंट वो है या कुछ और बोलना चाह रहे हो?
नहीं 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 मेरा पॉइंट ये है कि जब भी आप कॉमेडी कर रहे हो या कोई भी जोक लिख रहे हो हाँ, तो हाँ, इट शुड हैव सम वैल्यू मोर देन लाफ्टर, मतलब हंसी के साथ मोरल साथ वैल्यू मॉरल वैल्यू भी हो सकती है, या इट कोई कुड मैसेज वेल जैसे जाकिर खान कोई करता है. मैसेज, कोई मैसेज भी हो सकता है, बहुत सारी ओके चीजें ओके हो सकती है. ओके एंड देखिए हर चीज एट द एंड ऑफ द डे आर्ट इज अ मीडियम टू एक्सप्रेस योरसेल्फ. एक्सप्रेस योरसेल्फ. तो यस जब आपके पास इतना अच्छा माध्यम है, इतना अच्छा मीडियम है, तो इट शुड बी फॉर अ बेटर कॉज, दैट्स व्हाट आई फील. राइट राइट राइट. आपने कैसे क्या शुरू ओके किया जरा? अच्छा हाँ मेरे तो ऐसा मेरा मतलब मेरे को ऐसा था कि मेरे को मोटिवेशनल स्पीकर बनना है. 10वीं से ही हाय 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 मैंने संदीप महेश्वरी ओ का फर्स्ट टाइम वीडियो देख लिया एंड मेरे को बोला ये बनेगा ब्रो. ये बनेगा मैं. हाँ तो देन स्टेज पे आज तक गया नहीं मैं कभी नहीं. लाइक स्कूल अच्छा में कभी परफॉर्म नहीं किया. स्कूल में वो बोलते ना इंडिया इज माई कंट्री प्लेज भी नहीं बोल रहे तो मैंने तेरे को कहाँ जाएगा कॉन्फिडेंस. कभी कुछ नहीं किया. लेजिम खेला रहेगा एक जगह जाके वो भी 100 लोगों में मैं एक लेजिम खेलता तो उसमें कॉन्फिडेंस कुछ रहता नहीं है ग्रुप में तो कॉन्फिडेंस कभी था ही नहीं. एंड देन मैं पुणे आया. पुणे में पढ़ रहा था मैं ये यूपीएससी एमपीएससी का पढ़ता हूँ मैं. तो उसमें मेरे को एक दिन ऐसा था कि क्यों नहीं ट्राई कर रहे अपन. यूट्यूब तो कर रहे हैं बट यूट्यूब को एक्सपोजर कैसे मिलेगा. पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा है. लोगों को पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ. मैं वीडियोस बना रहा हूँ तो मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं मार्केटिंग करूँ अपने वीडियोस का जैसे कि कोई भी अमीर बंदा कर लेगा. ठीक तो है. मैं सोचा कि पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा. गूगल एडसेंस में पैसा नहीं डाल पाऊंगा. अभी डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लिया है लेकिन पता नहीं अभी पैसे नहीं है. जेब तो में पैसे डेढ़ सौ नहीं. रुपया हाँ. तो देन आई थॉट कि लेट्स डू कॉमेडी. एंड वो फर्स्ट टाइम वो होम स्टूडियो में मैंने ट्राई किया. देन वहां तो कैसा था कि वो इंजीनियर्स डे था तो सब लोग ने अच्छा. बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट किया. लाइक बहुत से ज्यादा क्योंकि सब खुश थे. तो वो हाँ एग्जुबरेंट था उधर का माहौल. आय सब हाय लोग खुश. आय हाय हाय जो क्या मर रहे हो क्या मारे हो जो. तो मैं भी इतना खुश होके अगले दिन ऑब्लिवियन आया. एंड देन मेरे को असली पता चला कि ब्रो ये सीन ही अलग है. इतना आसान नहीं है लोगों को हंसाना क्योंकि कुछ भी बोलोगे और ऐसा मतलब ना मेरे को प्रेमिस पता था ना पंच लाइन है ना टैग्स है ये सब कुछ भी नहीं पता था. देन वो एक एक अच्छा. करके 3-4 महीने में समझा कि अच्छा इसको और है. इसमें भी समझना होता है चीजों को तो रिलेटेबल चाहिए. तो ऐसे स्टार्ट हुआ फिर. एंड देन मैंने छोड़ा नहीं बिकॉज मेरे को ऐसा लगता था कि मैं अच्छा नहीं कर रहा है और मेरे को हमेशा मैं गाली ही खा रहा हूँ या मतलब कोई गाली खा रहा हूँ कि कोई लाफ्स नहीं मिल रहे हैं. ऐसा देख ही रहे हैं कि हाँ भाई बोल ले क्या बोलना है. तो हाँ, वो थोड़ा डीमोटिवेटिंग ये था तभी एक चीज है मेरे यार, लाइफ. कॉमेडी में ये प्रेशर है. जैसे किसी भी आर्ट फॉर्म में, आप शायर हो, आप पोएट हो, यू कैन कम एंड यू कैन डू योर आर्ट फॉर्म एंड यू कैन लीव. पीपल विल अप्रिशिएट इफ दे फील लाइक, अदरवाइज ठीक है कोई बात नहीं हुआ होगा. लेकिन कॉमेडी में देयर इज अ साइकोलॉजिकल प्रेशर कि आपको सामने वाले को हंसाना ही है. आप हंसाना ही है. राइट मतलब वो एक प्रेशर है, दबाव है आप पे कि यार ये हंस क्यों नहीं रहा है, क्योंकि यही ऑब्जेक्टिव है, हाँ आपको हंसाना है उसको. राइट तो एग्जैक्टली. हाँ, बट आपको अभी प्रेशर फील तो होता था नहीं या होता यार. है? अभी देख, प्रेशर तो ऑब्वियसली वो लगता ही है कि आपको ऐसा कंटेंट लिखना है जिसपे लोग हंसे. कितनी बार हमको वो चीज फनी लगती बट लोगों को नहीं लगती लोगों को ना. नहीं लगती. हाँ बट यू हैव टू ट्राई दैट. बट आई स्टिल फील कि हर जोक पे हो सकता है सामने वाला हंसे ना, लेकिन यू नीड टू ट्राई दैट. आप कोशिश तो कर ही सकते हैं. राइट राइट अक्षय राइट. सुखी जय वीरू है ये, कौन है द किंग कैप्स. वो कपिल अग्रवाल है ये ऑरेंज कॉमेडी ओ क्लब क्या के. बात है कपिल भाई को. यस कपिल भाई का भी आज ओपन माइक है और आप परफॉर्म कर रहे हो. आप यस अपना सेट यस मुझे रिवील यस. करोगे क्या? नहीं नहीं वैसे इतना बोल सकता हूँ भिखारियों पे है. ओहो ठीक है हाँ तो ठीक है. मुझे एक पूछना था कि आप अगर मतलब अभी कैसा कि मेरा जो पब्लिक मतलब मेरे जो दोस्त है जैसे रिपु दमन या आप जानते पता नहीं आप जानते हो कि नहीं रिपु दमन या अक्षय जोशी को अक्षय जोशी तो अथर्वा मैं जानता अथर्वा अथर्वा जोशी भी एक बंदा है. तो हूं. वो भी अच्छा मेरे ही अच्छा एज का है ऑलमोस्ट मेरे से 1 साल छोटा है. तो इन लोग और मैं लेट्स हम नॉट लोग टॉक अबाउट ओके ओके ओके. तो मैं और वो लोग जो जिस तरह कॉमेडी करते हैं वो थोड़ा वल्गर टाइप बोल सकते हो आप कि हम लोग वो ज्यादा टच करने जाएगा लाइक कि सेक्स को टच करेगा मास्टरबेशन टच हाँ करेगा समझा मैं. देन. हाँ तो कि आपको वो वल्गर लगता है कि आप ऐसा सोचते हो कि ठीक है मेरे लिए नहीं है बट क्या आप जोक पे हंसोगे अगर वो जोक रियली नहीं अच्छा होगा तो. मुझे,
अच्छा होगा तो मैं जरूर हंसूंगा, लेकिन अच्छा. मुझे ना वो उधर जाना अच्छा नहीं लगता उस जॉनर में, उधर वो okay. उस तरह की कॉमेडी मतलब right. एक स्मॉल टाउन से आने के बाद जिस हिसाब okay. से ग्रोन अप लाइक दैट कि मुझे गाली वाली देना, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे याद है मेरे फर्स्ट वीडियो में मैंने लौंडा बोल दिया था, तो मेरे पापा मुझे बोलते कि लौंडा क्यों बोला, लड़का भी तो बोल सकता था. तो अच्छा okay. मतलब इट्स लाइक दैट. तो वो एक रहता है कि अगर आप कुछ कर रहे हो तो यू शुड बी लाइक सेटिस्फाइड विथ योरसेल्फ कि हाँ यार मैंने कुछ अच्छा किया है. तो मैं उस तरह का लिखना वैसे पसंद नहीं करता हूँ. अगर वो मैं जैसे मैंने भी कॉन्डम पे जोक्स लिखे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं उधर नहीं जाता. वो मतलब बहुत ज्यादा वो डाउन द लेन नहीं जाना है हमें. हाँ मतलब मुझे ऐसा लगता है कि और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जैसे मैंने होस्टिंग भी की है ना, तो आई हैव रियलाइज्ड वन थिंग कि हमारे जो यंगस्टर्स का और जो भी पुणे कॉमेडी सीन में भी मैं देखता हूँ, तो जो लोगों का कंटेंट है वो यंगस्टर्स को तो अपील करता है, लेकिन इफ आई टेल देम टू परफॉर्म इन अ गणेशोत्सव तो उन सबके हाथ पांव फूल जाएंगे कि यार अभी नॉन वल्गर और इस तरह का सीनियर्स को हंसाने जैसा, तो वो काफी चैलेंजिंग हो जाता है. नहीं मैम, मेरा फर्स्ट सेट मैस्टरबेशन पे था. लाइक मैं पूरे दुनिया को बता रहा हूँ कि मैस्टरबेशन शक्ल देख के लग रहा है वो आपका फर्स्ट सेट मैस्टरबेशन पे होगा. तो वो था जो कि मतलब उसमें कोई पंचलाइन नहीं, कुछ नहीं, ऐसा ही फालतू बात, सीधा फालतू बात. और अभी तो मैं करता भी नहीं हूँ कभी, बिकॉज मेरे को भी समझ गया कि ब्रो ये फालतू है. काय को क्या हो सेट. कॉमेडी बहुत मस्त है यार, मतलब इतना सब्जेक्टिव है, लेकिन कुछ लोग ऑफेंड भी होता है. लाइक आपका आपके जोक से कभी कोई ऑफेंड हुआ है लाइक होस्टिंग में, या हेकलर्स हो जो कि बहुत ही मस्ती कर रहा है आपके सेट को खराब कर रहा है? स्ट्रीट प्ले लिखा था कॉमेडी में, तो ओपन माइक वगैरह में तो ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन एक स्ट्रीट प्ले लिखा था हमने टीसीएस में, वो हमने 400-500 लोगों के सामने किया था, एंड इट वॉज पॉलिटिकल. तो उसमें अभी 2019 में ही किया था, इलेक्शन के जस्ट पहले. तो एक अंकल आया मेरे पास और बोलते कि यार ये थोड़ा वन साइडेड मुझे लगा, एंड आई डोंट फील दैट इज राइट. और मुझे ऐसा लगा राहुल गांधी की आपने ज्यादा बुराई कर दी, वो इतना बुरा भी नहीं है. तो मैंने बोला ठीक है भाई, ये कट्टर कांग्रेसी समर्थक है, इनके ओपिनियंस का रिस्पेक्ट करते हैं. और मैंने बोला सर कोई बात नहीं, दिस इज वेरी सब्जेक्टिव एंड यू विल फाइंड पीपल लाइक दैट. लोगों को बुरा लग सकता है, बट एज लॉन्ग एज वो थोड़ा वायलेंट नहीं हो रहा है वो प्रोटेस्ट या फिर वो चीज, तो इट शुड बी फाइन. लेकिन अगर कोई आपसे बात कर रहा है, मतलब वो उसकी भी मैच्योरिटी दिखाता है कि ही वांट्स टू टॉक अबाउट इट, सो दैट्स द गुड थिंग, राइट. राइटिंग डीसेंट जोक टफ है क्या? मुश्किल है, सोचना नहीं. राइटिंग डीसेंट जोक इज वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली. अगर आप जाओगे ट्विटर पे देखोगे तो ट्विटर पे लोग वन लाइनर डाल रहे हैं, टू लाइनर डाल रहे हैं, और लेकिन हम लोगों को एक स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में वो जोक बनाना है. और सबसे बड़ा चैलेंज जो रहता है किसी भी कॉमिक के लिए, वो बैक टू बैक पंचलाइन सोचना, और पिछली पंचलाइन से नई पंचलाइन जो है इट शुड बी बेटर, तभी तो वो लाफ्टर बढ़ेगा. राइट. हाँ चैलेंज तो है इसमें बहुत तगड़ा वाला, पर ठीक है, यही तो मजा है इसका. डिसेंट जोक लिखना बहुत मुश्किल है, बहुत, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है. राइट. आप मेरे को बताओ कि आप कैसे लिखते हो, लाइक कैसे सोचते हो जोक, कैसे प्रोसेस क्या है आपका? लाइक ऊपर से इतना डीप इनटू नहीं, लेकिन ऐसा ऊपर से नहीं, मतलब प्रोसेस कुछ भी नहीं यार. जैसे कुछ भी आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, कुछ देख रहे हो और यू फाइंड इट फनी, तो आप छोटा सा उसका प्रिमाइस लिखोगे, उसके बारे में सोचोगे, एंड देन यू विल बिल्ड ऑन इट. और अगर वो वैसा बन रहा है, डिपेंड करता है यार. आजकल किसी भी ओपन माइक में 5 मिनट से ज्यादा तो मिलता नहीं है. अभी कंटेंट अपने पास इतना लिखा हुआ है और अच्छी जगह पे ट्राई करने का मौका मिलता नहीं है, तो दैट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग एक्चुअली, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है. तो आपको मेक श्योर करना पड़ता है आपके जोक जितने भी हैं उसमें से बेस्ट आप परफॉर्म करो, इनफैक्ट ओपन माइक्स में भी. राइट. हाँ, टाइम बढ़ाना चाहिए. I think it's fine. 5 मिनट काफी लंबा टाइम होता है एक्चुअली ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए. क्योंकि जब आप इनफैक्ट इफ यू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ अ मिरर,
या फिर आप जोक लिखने बैठते भी हो तब आपको रियलाइज होता है कि हाँ यार 5 मिनट का कंटेंट लिखना कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल हम है। हम भली प्रोटेस्ट कर लें कि यार 5 मिनट कम है, 5 मिनट कम है, बट देन नहीं है, लेकिन वो अगर आप लिख रहे हो और आपको ट्राई करना है तो वो अलग बात है। लेकिन अगर मैंने एक बार ऐसे ही लालच में आके 10 मिनट ले लिए थे, स्लॉट बुक कर लिया था, लेकिन उसके बाद 3 मिनट में तो सब खत्म हो चुका था। देन फिर फालतू की बेइज्जती, 7 मिनट क्या करेगा। तो, मुश्किल होता काम है भाई, होता है। ये मेरे कुछ कुछ दोस्त आ गए हैं, अंकित भाई, विनय भाई, ये सब सब अपने चाहने वाले हैं और इनका काम है चैट पे आके एक दूसरे की मारना, चलने दो। तो आपको क्या लगता है ये लॉकडाउन के बाद कॉमेडी का सीन कैसे होगा? लाइक होंगे गैदरिंग्स तो नहीं यार, मुश्किल मुश्किल लग रहा है, मुश्किल लग रहा है। आई डोंट सी एनी इवेंट हैपनिंग फॉर नेक्स्ट एटलीस्ट 6 मंथ्स, मतलब ये साल तो गया, ये साल तो क्योंकि वैक्सीन की कोई संभावना दिखती नहीं है अभी, दिख भी नहीं रही। और लोगों के मन में डर है यार, अभी क्यों कोई ओपन माइक में आएगा, क्यों कोई किसी पब्लिक गैदरिंग में जाएगा जिसको उसको डर है। राइट, तो आई थिंक ऑनलाइन ही कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, क्रिएटिव सोचना पड़ेगा। नहीं, ये YouTube इज अ गुड थिंग ना, इफ यू वांट टू डू ऑनलाइन जस्ट ऑन योर ओन वी कैन डू ऑन YouTube। बट अगर जब ये लॉकडाउन था भी नहीं तब हमारे ओपन माइक्स में कितने लोग आ रहे थे? 8। ओपन माइक में ज्यादा लोग नहीं आ रहे थे, यहाँ पे देखो 5 लोग फिर भी आ गए। हाँ, तो 8 लोग आ रहे थे तो अब तो वो भी नहीं आएंगे, लाइक पहले से ही नंबर कम था, अब सीन होने वाला है। हाँ, मतलब काफी मुश्किल होने वाला है। और आई डोंट नो यार कैसे चीजें होंगी आगे, और इट्स नॉट अबाउट यू, अब लोगों को भी देखो ना कितना प्रॉब्लम है, रेस्टोरेंट बार्स हर चीज खुलती भी नहीं दिख रही है, एटलीस्ट बाय सितंबर स्कूल कॉलेजेस कुछ भी नहीं खुल रहा है, तो सब ऑनलाइन हो गए। तो कैसे क्या होगा यार, मतलब नॉर्मल ही आप सोचो ना, आप किसी चाय की टपरी पे जाके जिस कॉन्फिडेंस से आप पी लेते थे चाय, अब आप नहीं पी पाओगे, आपको ऐसा लगेगा ये ग्लास किसने क्या यूज किया है, कितने लोग हैं, कैसे बन रही है, धोया भी है नहीं धोया है, वी आर नॉट यूज टू हाइजीन वाला कॉन्सेप्ट दैट मच ना, राइट। पानी पानी पूरी में जब तक नाखून का मैल नहीं जाता तब तक मजा ही नहीं आता। तो अब वो सब चीजें होंगी, अब थोड़ा अवेयरनेस आएगा सोशल डिस्टेंसिंग। आप बॉम्बे से हो, मुझे तो बॉम्बे की बहुत ज्यादा चिंता है यार, कैसे बॉम्बे में क्या होने वाला है, यहाँ पे इट्स सो डिफिकल्ट। यहाँ पे तो भाई इतना सीन कि मैं आपको बताता हूँ, मेरे सामने रहते हैं वहां पे एक फैमिली लाइक मर गया एंड और एक पुलिस वाला रहता है, मेरे फ्रेंड ही रहते हैं उनके सामने पुलिस वाला रहता है, वो पुलिस वाला पॉजिटिव मिला है बिकॉज वो ड्यूटी पे ऑन ड्यूटी उसका मिला, एंड देन वो फिर भी अभी एडमिटेड है, बट एडमिट है बट क्या कर सकते हैं, अभी है सीन तो हो ही रहा है, सब जगह ही फैल ही रहा है। एंड देन वो आरोग्य सेतु ऐप आपने डाउनलोड किया है क्या? वो किए ना मैंने डाउनलोड, बिल्कुल किए, क्योंकि अब वो डाउनलोड करना जरूरी, अगर मैं लाइव कॉल पे बोल दूंगा कि नहीं किए तो पुलिस मेरे घर पे आ जाएगी। नहीं नहीं आएगी तो नहीं, ये कौन ये पुलिस वाले थोड़ी देखते हैं। यहाँ पे गांजा दारू हमारे दोस्त ही नहीं देख रहे। नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ आपको भाई साहब कि बॉम्बे में ट्रेन में कैसे यार, बिना लोकल के बॉम्बे कैसे चलेगा और ट्रेन में कैसे सोशल डिस्टेंस, बंद है नहीं गोइंग फॉरवर्ड आफ्टर 17। अच्छा हाँ, नहीं उसके उसके बाद भी मेरे को नहीं लग रहा है कि ज्यादा दिनों तक वो रहने वाला है चालू, लेकिन नहीं होगा। पहले बात तो अभी वो सीएम ने बोल दिया है कि ये मई एंड तक जाएगा, जब तक ऐसा नहीं हटा सकते यार, ऐसा हटाएंगे तो गांड लग जाएगी। लाइक जितना हटा बंद करके रखा है तब तुम लोग घर में नहीं रह पा रहे हो, जब तुमको बोल देंगे कि जाओ बाहर, तुम लोग को दारू लेने के लिए बाहर जाने का बहन, तो समझ नहीं आता तुम लोग को दारू इम्पोर्टेंट है क्या? फिर यार तो महाराष्ट्र के सीएम की आपने बात की, तो इस पे मैंने एक जोक लिखा था, तो वो भी अच्छा चलते चलते बताते चले आपको। ओके ओके ओके, उद्धव ठाकरे हैज टेकन वर्क फ्रॉम होम वेरी सीरियसली, लिटरली वेरी सीरियसली, क्योंकि वो भी हर शाम को 6 बजे फेसबुक लाइव जा रहे हैं, यूट्यूब लाइव जा रहे हैं, तो ही इज टेकन concept of work from home very seriously, but then like other dads he too has a kid who's bothering him all the time with different thing. तो जैसे अपने आदित्य भाई हैं, हाँ
जो दिक्कत देते रहते हैं बीच बीच में ट्विटर पे, तो उस पे है ये कि लाइक एवरी डैड हैज वन किड जो उनको ठीक से काम करने नहीं दे रहा है, तो फॉर उद्धव ठाकरे इट इज आदित्य ठाकरे. लाइक फिर ये YouTube का सीन कब से मतलब आपने सीरियसली लिया कि आप व्लॉग्स डालने लग गए एंड ऑल, ये आपको कैसे आइडिया है कि YouTube पे? एक्चुअली अमेरिका में जाके पहली बार एक वीडियो बनाया था, तो जैसे कि आप जानते हैं इंदौर में पोहे का बहुत ज्यादा एक इमोशनल कनेक्ट है. बाप वो वीडियो लाइक खाने का मन करता है यार वो देखने के बाद. हाँ, तो वो एक एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड ने बनाया था पोहा, यूट्यूब पर डाला था, तो हमारा ऐसा था कि यार ये इंदौरी पोहा नहीं है, इसमें मजा नहीं आ रहा है. तो मैंने बोला कोई बात नहीं, अपन इनको इनसे बेटर बना के दिखाते हैं और बताते हैं कि पोहा एक्चुअली में बनाया कैसे जाता है. तो दैट वाज जस्ट एन ऑनेस्ट अटेम्प्ट कि हाँ बनाना है, तो वो बनाया और लोगों को बहुत पसंद आया, क्योंकि उसमें 11 मिनट में पोहे की रेसिपी तो बताइए, लेकिन बकर बहुत ज्यादा है उसमें. इंटरनेट तो यार अच्छा वाला लगवाया था यार अपन ने, बट पता नहीं क्या हो रहा है. होते रहता है यार ये फ्लक्चुएशन, ऐसा ही चल रहा है ना, सब घर पे बैठे हैं, सब इंटरनेट यूज करना है सबको सुपर फास्ट. क्या क्या करें बेचारे लोग, परेशान है यार घर पे, थोड़े दिन में तो लोग पागल हो जाएंगे. हाँ होने वाले. लाइक बर्तन धो दो के मेरा दिमाग खराब हो गया, सच बोल रहा हूँ. बर्तन धोने को जो त्रास हो रहा है ना, नहीं माँ बाप को मैं बोलता है नहीं धोने के, लेकिन क्या अभी खाना तो वही दे रहे हैं. धो वो बनाती है तो धो, इतना ही कर सकते कि धो लो. देन आप बोल रहे थे ब्लॉगिंग के बारे में बता रहे थे आपके पोहे का वीडियो. Yes. हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ भाई कि पोहक का वीडियो बनाया और उसका बहुत सही रिस्पांस आया, मतलब लोगों को काफी पसंद आया, तो आई रियलाइज कि थोड़ा और अभी एक दो बार और ऐसे वीडियो बनाए जाए. मेरे एक फ्रेंड बोल रहे हैं अभी यो-यो किया वो बहुत मजा आया है ये लोग. तो वो वीडियो से मतलब अच्छा हुआ था वो. उसके बाद धीरे धीरे और YouTube पे काम करना शुरू किया, पोएट्री डाली, एक दो प्रैंक डाले. हाँ. फिर अभी जब से इंडिया देखा मैंने प्रैंक वो ऐसा गले मिलने वाला. हाँ वो तो अभी डाला, एक न्यूयॉर्क में किया था मैडम टुसॉद में. अच्छा, तो उसमें हाँ उसमें मैनिक्विन वाला चैलेंज चल रहा था उस समय. तो मतलब मैं मैनिक्विन बन के खड़ा हो गया अमिताभ बच्चन के पास. तो कुछ पाकिस्तान की लड़कियों को ये लगा कि ये कौन सा नया सेलिब्रिटी मार्केट में आया जिसका मैनिक्विन लगा हुआ यहाँ पे, और वो मेरे साथ फोटो खिंचाने लगी. तो फिर हिल गया कि हाँ दप्पा. तो वो एक अच्छा सा प्रैंक किया था, तो वो भी अच्छा चला. फिर एक शॉर्ट फिल्म हमने बनाई है H1B. अच्छा. तो हमारे सदा सुखी रहो भी आ गए हैं, तो वो भी उसमें आप वीडियो की स्क्रिप्ट लिखते हो, जैसे कि आपने वो न्यूज चैनल वाला वीडियो बनाया था एंड काफी सारे कैरेक्टर्स लिए थे उसमें, तो आप उसकी स्क्रिप्ट बनाते हो या फिर वो स्पॉन्टेनियस होता है कि? नहीं भाई, स्पॉन्टेनियस ऐसे नहीं बना सकते ना आप ऐसी चीजें. फिर आपको पता है स्पॉन्टेनियस में वो मजा ही नहीं आता. हाँ, तो आपको तो स्क्रिप्ट तो बनानी पड़ती है. राइट, हर चीज लिखनी पड़ती है, हर चीज लिखनी पड़ती है, और वो दो तीन बार आपको उसके वर्जन देखने पड़ते हैं कि वेदर इट इज कमिंग, उसको भी टाइट करते हो और नॉट. राइट, फिर उसको भी एक दो और हमारे समझदार दोस्तों से रिव्यू करवा लेते हैं कि भैया देख लो, एक पब्लिक ओपिनियन भी ले लेते हैं उसका, एंड देन वी गो अहेड विद द शूटिंग. राइट राइट. लाइक मैंने व्लॉग्स बनाना, लाइक मेरे को व्लॉग्स बनाना और पॉडकास्ट बनाना बहुत पसंद है, बहुत मतलब दिस इज द फेवरेट थिंग, ये मैं पूरा जिंदगी कर सकता है. तो जब भी मैं कहीं घूमने जाता हूँ, लाइक मैं अभी कोडाईकनाल गया था, देन उसके बाद उत्तराखंड गया था, तो मैंने वहां के ऐसे व्लॉग्स बनाए ऐसे 4-5, एंड वो पूरा जैसे कि आप कोडाईकनाल जाओगे तो आपको मुन्नार आएगा बीच में, टी प्लांटेशन जो कि इंडिया का सबसे बेस्ट टी प्लांटेशन वहां है तमिलनाडु में. फिर ऐसे बहुत सारी जगह मड हाउस एंड ऑल सब कवर किया उसमें. Then, उसको एडिट आप खुद एडिट करते हैं कि आपके दोस्त करते हैं किसी कोई? नहीं, मैं खुद ही करता हूँ. तो किस पे करते हो? Adobe Premiere Pro और iMovie. ओके. तो iMovie मतलब बहुत ही शानदार एक सॉफ्टवेयर है यार, मुझे तो मतलब बहुत पसंद है. और इनफैक्ट आपके पास जब iPhone हो ना, हाँ. तो एप्पल का जो कॉम्बिनेशन है बहुत तगड़ा है. राइट. तो आप प्रीमियर लाइक मैकबुक प्रो यूज करते हो कि लाइक फोन में आप यूज करते हो?
नहीं, मैकबुक पे करते हैं कुछ चीजें जो अच्छी हुई है अमेरिका से आने के बाद, वो वन ऑफ देम इज आईफोन एंड मैकबुक. मैकबुक ओके. हाँ लाइक आप कभी आपने वो दूसरा वाला सॉफ्टवेयर देखा है जो हाई एंड है, आई मूवीज के ऊपर वाला, फाइनल कट प्रो. फाइनल कट प्रो यार, उसका उसको देखा मैंने, फिर उसका प्राइस भी देखा नीचे, $399 एंड आई वाज लाइक कि चलो छोड़ दो, छोड़ छोड़ दो, रहने दो. 24,000 24,000 इंडियन रुपी. और अडोबे प्रीमियर प्रो भी हमारे एक बहुत अच्छे फ्रेंड है विवेक, तो वो अमेरिका में पढ़ रहे थे थोड़े टाइम तक, तो उनके पास वो स्टूडेंट वाला कंसेशन था, तो हमने वो यूज किया है, तो उसमें और सस्ता पड़ता है वो. ओके. And we are not paying for that. वो sponsored है उनके द्वारा, मतलब sponsoring Adobe Premiere and Photoshop for us. तो हम क्या करते हैं, हर हर एक वीडियो में उनको क्रेडिट दे देते हैं. अच्छा. We send him the regards. ये विवेक नायर की तरफ से, produced by creative producer. तो आप जो Adobe Premiere आपने MacBook में डाला है, वो कैसे डाला है? Like आपने software खरीदा है या? खरीदा है ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ आपको. हाँ, उसका एक साल का subscription. अच्छा, लिया हमने. ओके. हाँ. तो खरीदना ही पड़ता है, क्रैक वर्जन नहीं डाल सकते क्या? ये पूछ रहा हूँ, मेरा असली क्वेश्चन. नहीं यार, क्रैक वर्जन तो ट्राई कभी किया भी नहीं, और जब दूसरे लोग पैसे दे रहे हैं तो अपना क्या जा रहा है, अपने भाई लोग हैं, कमा रहे हैं पैसे. ओके. तो वो दे देते अपने को सॉफ्टवेयर वगैरह. राइट. तो आपका टाइम पास कैसे चल रहा है अभी? मैं तो सुबह उठता हूँ तो पढ़ने बैठ जाता हूँ. मैं अपना पढ़ाई करता हूँ, जो एग्जाम के लिए मेरा मेन फोकस है, प्रायोरिटी. कौन सी एग्जाम भैया? क्या है? इंजीनियरिंग सर्विसेज की एग्जाम है, यूपीएससी पढ़ता हूँ, बता तो रहा था मैं. तो मैं आपको बताता हूँ उस बारे में भी कि मैं पुणे क्यों आया. अगर मैं पुणे नहीं आता तो मैं कभी स्टैंड अप करता ही नहीं. तो मेरा ऐसा था कि मेरा इंजीनियरिंग हो गया था एंड देन मुझे आना था यहाँ पे, और क्योंकि मुझे गेट में बहुत कम मार्क्स मिले थे तो मैं सोचा कि नहीं यार, अब इंजीनियरिंग तो नहीं पढ़ी जाएगी, अब जाते हैं यूपीएससी करते हैं, सीधा फाड़ेंगे, चांद पे जाएंगे अब. एंड देन एक साल पढ़ने के एक साल पढ़ने के बाद पूरी गांड फाड़ दी उसने. इतना पढ़ा चार बजे उठ के पढ़ रहा है आदमी, 10 बजे सो रहा है, इतना अच्छा रूटीन कभी नहीं मैंने. वैसे एक बीच में नोट है कि ये जो अश्लील भाषा का प्रयोग कर रहा है लड़का, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है. मेरी जो ऑडियंस है उन्होंने कभी ये गाली वाली सुनी नहीं हमारे वीडियो में. ओके. तो माफ कर. ओके, मैं भी नहीं दूंगा फिर, ठीक है? एटलीस्ट आई विल ट्राई. मेरे को लगा अभी तक मैं एक भी गाली. देखो, एक पूछ रहा है क्या फाड़ दी, वो पूछ रहे हैं भाई साहब. तो फिर उसके बाद मेरा एक एग्जाम निकला इंजीनियरिंग सर्विसेज का, एमपीएससी का, एंड देन आई थॉट कि अभी तो निकला है एग्जाम. देन प्रीलिम्स हुआ, मेंस गए, मेंस देने, वहां पे फाड़ दी उन्होंने फिर से, बिकॉज मेंस इतनी टफ थी, इतनी टफ थी सिविल इंजीनियरिंग की. फिर सोचा कि अब तो बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, देन वही पढ़ना शुरू कर दिया फिर से. तो वही पढ़ रहा हूँ अभी, क्योंकि अभी लॉकडाउन के कारण काफी टाइम मिल गया है, तो आई हैव गुड अपॉर्चुनिटी कि मैं पढ़ू और एटलीस्ट क्लियर करूँ. वही है फिर, मतलब कुछ देश का नाम रोशन करोगे तुम तो. कॉमेडी वॉमेडी में कहाँ फंस रहे हो यार, ये कुछ अच्छे ही करो ना लाइफ में. कॉमेडी तो हम जैसे ये अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, नहीं होगा वो कॉमेडी करेंगे. हाँ. ऐसा थोड़ी होता है. नहीं नहीं, कॉमेडी अच्छा है यार. मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है ऋतिक राय, तो वो डॉक्टर है, बट डॉक्टर है मतलब यहाँ पे AFMC में पढ़ाई कर रहा है, एंड ही इज अ वेरी नाइस पोएट. तो मतलब उस यू कैन डू टू थिंग्स एट अ टाइम. और मेरे को ये पॉडकास्ट भी करते रहना है, एंड मेरे को स्टैंड अप भी करना है, एंड जब भी मैं जाऊं कहीं तो व्लॉग्स करना है. करते रहो यार, कुछ भी नहीं, एक लाइफ है यार, ये सब बाद में नहीं आने वाला है. मेरे को एक चीज करके ऐसा ही, हाँ अभी मैंने क्या किया, तो मैंने पढ़ाई की और मैंने एग्जाम क्रैक किया और मैं हूँ, सेटल हो गया. नहीं, इसमें मैं खुश नहीं रहने वाला हूँ. मेरे को करना है, मेरे को लोगों से बात करना है. आपसे बात करने का मोटिव भी मेरा यही है कि मेरे को पर्सपेक्टिव जानना है आपसे, कि आप क्या सोचते हो जब मैं परफॉर्म कर रहा हूँ या फिर कोई और परफॉर्म कर रहा है, तो आप क्या सोचते हो कि ओपन माइक किस तरीके से और अच्छा बेटर कर सकते हैं हम, बिकॉज हालत खराब है यार ओपन माइक की, लोग नहीं आते इतना. कॉमेडी का सीन इतना नहीं हो रहा है जितना हम लोग अभी. मैं आपको बताता हूँ कि जितना मैंने डिफरेंस देखा, मैंने 2 जगह परफॉर्म किया आज तक, मुंबई में और पुणे में. एंड पुणे में 150 रुपीज आप दे रहे हो एज अ परफॉर्मर, एंड उधर वो होने के बाद भी ऑडियंस कितना दे रहा है, 100 आने के लिए,
यहाँ पे पब्लिक फ्री में बिठा रहा है, सिर्फ इससे लेते हैं वो पैसा, लाइक परफॉर्मर से. हाँ. और अच्छी बात है ना, तो पैक है ऑडियंस, 40 लोग बैठे हैं, मैं बता रहा हूँ 40 लोग बैठे, लाइक कोना है वो दुकान के कोने में 40 लोग ठूस दिए, इतना लोग है. देन अगर हम लोग वैसे कुछ ले कि मतलब एटलीस्ट कि चलो दो ओपन माइक में से एक ऐसा करा दो ना कि जहां पे फ्री है, आओ सबको बिठाओ, और वो लोग जिस तरीके से ऑडियंस खींचता है उस तरीके से हम लोग नहीं खींच रहे. लाइक मैंने उस दिन मैंने यहाँ पे वाशी में परफॉर्म किया था, फ्रीलांस करके वो लोग का प्रोडक्शन था, एंड उनके इधर इतना ऑडियंस, में बोला ये क्या बात कर रहा है, इतने लोग के सामने तो मैं कभी जिंदगी में परफॉर्म नहीं किया 4 महीने में इतना ये इधर. और वो कोई कॉलेज का फेस्ट नहीं है, तो 40-50 लोग इज अ बिग डील फॉर अस. हम दो अभी आप और मैं परफॉर्म किया था, आपको याद है कितने लोग थे ऑडियंस में? एक कपल था और बाकी सब परफॉर्मर्स थे. तो हम क्या कर रहे हैं, लाइक अपने को कैसे पता चलेगा रियली अपना जोक चल रहा है नहीं चल रहा, बिकॉज ऑडियंस ही है बता सकता है, ये परफॉर्मर लोग नहीं बता सकता है. वो लोग जैसा सोचता है, वो लोग रिएक्ट नहीं करता उस तरीके से आपके जोक के बारे में. मैं एनालाइज करता है बैठ के, अच्छा इसने ऐसे सोचा, फिर इसके ये टैग रहेगा इधर, अच्छा ये उसको रिलेट कर रहा है क्या, ये कैसे लिख रहा है, इसका पंच लाइन क्या है, वैसे सोचते रहता है मैं. तो मैं जोक पे हंसता नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम. मैं ऐसा, आप भी देखो कैसे करते हो आप. नहीं नहीं, आधे टाइम वही होता है कि आप अगर कोई दूसरा आपका कंटेम्प्ररी फ्रेंड या कोई परफॉर्म कर रहा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप उतने उस पे उतना ध्यान नहीं देते. और मतलब मैं आपको एक बताता हूँ एक चीज की, जब से अपन कॉमेडी के बिजनेस में और ये सब चीजें करने लगे, मुझे तो हंसना ही नहीं आता अब किसी भी चीज पे. मैं बहुत क्रिटिकल हो गया हूँ, और कोई भी चीज कोई क्रिएट करता है तो पहले मैं देखता हूँ इसमें यार ये अगर मैं होता तो मैं कैसे बनाता. और मतलब वो जो एक नॉर्मल होता था ना जॉय, वो चला गया है. वो हर कॉमिक के साथ होता है कि आप जिसकी मिठाई की दुकान होती है ना, कभी भी उसको मिठाई पसंद नहीं आती है. तो हमारी दुकान जो है हंसने हंसाने की, तो हमको दूसरों के जोक पे हंसी नहीं आती. दैट इज अ प्रॉब्लम. लेकिन वी कैन जज अ ग्रेट जोक, लेकिन अब आप अभी आप देखो कि कोई तो आप बोलेगा यार ये अच्छा जोक था, मस्त है ये जोक, क्या लिखा है, क्या टाइप किया है इसको, लेकिन ऐसा तू रिएक्शन नहीं देगा हाँ हाँ करके, जो पहले अपन स्कूल में या कॉलेज में ऐसा देते थे. वो नहीं आता अभी, वो नहीं आता. दिस इज सैड. आई अंडरस्टैंड. आपको लगता है ये कोरोना वायरस कब तक हटेगा? ये कोरोना वायरस के बारे में आपको क्या कहना है? कोरोना वायरस आई थिंक ये लंबा जाने वाला है यार. इसको आई डोंट सी दिस, मेरे ख्याल से 2020 तो हटा ही देना चाहिए हमको अपनी लाइफ से. हमको ऐसा लगना चाहिए कि लेट्स जस्ट सर्वाइव, दैट्स ऑल वी हैव फॉर दिस होल ईयर. फिर नेक्स्ट ईयर से सोच सकते हैं हम कुछ करने का. जैसे मेरे बहुत सारे इवेंट मैनेजर्स जो हैं वो मेरे फ्रेंड है, एंड अकॉर्डिंग टू देम इवेंट होते हुए दिख नहीं रहे यार. 6 महीने और तो पब्लिक गैदरिंग नहीं हो रही, इवेंट नहीं हो रहे, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री to go ahead. Like जैसे मैं सिनेमा हॉल है, ठीक है, अभी सिनेमा हॉल में आपको कैसे सोशल डिस्टेंसिंग कैसे करोगे आप? एक एक किसी को छोड़ के एक सीट छूटेगी तो फिर उसका रेवेन्यू कैसे मिलेगा? इतनी सारी फिल्में अटकी पड़ी हैं, इतने सारे लोगों की शूटिंग. अभी बॉम्बे में एक फिल्म पे कितने लोगों का जो है एम्प्लॉयमेंट. हाँ मतलब बहुत मुश्किल है ये. और जितने भी रेस्टोरेंट हैं, और अभी लोग लाइक गुडविल के कारण पैसे फिर भी दे रहे हैं मेड्स वगैरह को, बट देन देयर हैज टू बी अ ब्रेकिंग पॉइंट. जब लोगों के खुद के पास पैसा नहीं रहेगा तो कैसे किसी को आप एम्प्लॉई बना के रख पाओगे लंबे टाइम तक? तो फिर चीजें खराब होंगी और उसका इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इम्पैक्ट हर एक इंडस्ट्री पे होगा, इवेंट पे या किसी भी चीज पे. पब्लिक गैदरिंग जैसे लोग अननेसेसरी बाहर ही नहीं जाएंगे यार, जितना काम है उतना ही बाहर जाएंगे. पीपल विल नॉट गो आउट एज मच. लाइक ये कितना अनएक्सपेक्टेड था, कितना अनएक्सपेक्टेड था ये कि नहीं सोचा. मैं तो उन लोगों के लिए दुखी हूँ जिन्होंने फरवरी में जॉब छोड़ी अपना पैशन फॉलो करने के लिए. ओ माय गॉड, ऐसे किसी को जानते हो आप? नहीं, मैं तो खुद को जानता हूँ जिसने लास्ट ईयर छोड़ी थी, बट ठीक है.
लेकिन हाँ मतलब दिस इज नॉट द ग्रेटेस्ट टाइम टू फॉलो योर पैशन. जिसके पास जॉब है, जिसके पास नौकरी है, आई थिंक वो काफी सेफ जोन में है अभी हाल फिलहाल. राइट और काफी समय तक ऐसे ही रहने वाला लग रहा है ये, क्योंकि हाँ लाइक मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि ये खत्म होते ही माइक पकड़ना है और करनी है बकवास जाके. हाँ ना वही ना, कोई दिक्कत नहीं है, पार्ट ऑफ लाइफ यार. हम अपने बच्चों को बोल सकते हैं कि यार हमारे दौर में पेंडेमिक हुआ करता था तब हमने अपना लाइफस्टाइल जिंदा बच चेंज गए किया तो था. पक्का. बचेंगे यार, जिंदा बचना पड़ेगा. लाइक व्हाट इज गुड कंटेंट फॉर यू, लाइक आप किसको बोलोगे कि यार ये अच्छा कंटेंट है, आप कैसे जज करोगे ये वीडियो, अगर आपने वो न्यूज वाला वीडियो बनाया या आपने पोहा वाला वीडियो बनाया, आपने अपलोड करने के पहले हम लोग एडिट करते हो 20-40 बार देख लेते हैं अपना ये वीडियो, लाइक मैं भी देखता हूँ, हाँ तो आप कैसे जज कर सकते हो कि यार ये अच्छा चलेगा, मेरे को पता है इसमें, विश्वास है मेरे. मतलब अगर आई थिंक किसी भी कंटेंट पे उसका आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में, क्योंकि आज मतलब लोगों के पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा है. अब अभी अगर भुवन बाम जो वाइंस का कॉन्सेप्ट लेके आया है, ठीक है, तो वो उसके वीडियो की वैल्यू नहीं है, उसके कंटेंट की उतनी वैल्यू नहीं जितना उसके आइडिया की है. तो आई ट्राई टू फाइंड कि जितना यूनिक कॉन्सेप्ट है उसका एग्जीक्यूशन अगर मीडियोकर भी है, वैसे तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर मीडियोकर भी लेकिन है तो भी है आइडिया के नंबर है. यूनिक जैसे जिस कॉन्सेप्ट भी होना बंदे ने, चाहिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल हैबिटाट के वीडियोस, जिस भी आदमी ने सोचा था कि उसका जो बैकग्राउंड है, जो उसका साउंड है, इतना अच्छा है कि मैं उसको यूट्यूब पर डालूं, यूट्यूब का एल्गोरिदम उसको ऊपर पुश करेगा, तो जो पहले वीडियोस को जो मिला है रिस्पांस, वो बाकी वीडियोस को नहीं मिलेगा ना. मतलब तो आइडिया की वैल्यू बहुत ज्यादा है यहाँ पे. तो जैसे फॉर मी अ गुड कंटेंट इज वेयर यू हैव अ ग्रेट आइडिया टू बिगिन विथ. उसका आइडिया, उसका कॉन्सेप्ट ऐसा होना चाहिए जो इट शुड बी मूविंग बहुत बढ़िया. ये जो हम लोग, हाँ आप यूनिक यूनिक कॉन्सेप्ट के बारे में बोल रहे थे, यूनिक आइडियाज के बारे में. हाँ मतलब मेरा ही मानना है यूनिक आइडियाज अभी के टाइम पे क्या हो सकते हैं वो सोचना चाहिए हर आदमी को, तभी वो कुछ अच्छा वीडियो. क्योंकि क्लिक यार करेगा कितने वो लोग वीडियो. वीडियोस बना रहे हैं, कितनी चीजें हो रही है, व्लॉग भी लोग बना रहे हैं, तो व्लॉग में भी कुछ तो क्रिएटिव होना ही चाहिए, लाइक एवरीथिंग. तो मेरे को किसी, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, उन्होंने बोला था अगर अगर आइडिया यूज किया हुआ है तो उसका एग्जीक्यूशन बहुत नेक्स्ट अच्छा लेवल. होना चाहिए. मतलब दोनों में से कोई चीज एक तो होनी चाहिए, या तो आइडिया अच्छा हो, एग्जीक्यूशन थोड़ा ओके हो चलेगा, या आइडिया यूज किया हुआ हो बहुत ही लेकिन बाप. एग्जीक्यूशन उसका बहुत तगड़ा हो, तभी वीडियो चलेगा. आइडिया एंड एग्जीक्यूशन, ये मैं आज सीखा हूं. कि यूनिक आइडिया चाहिए. देन आपको कभी हेट कमेंट्स आए हैं आपके वीडियो पे कि नहीं क्या बना रहा अरे है, आते रहते क्या हैं भाई, आते रहते हैं. अब ऐसा, तो देन हाउ पहले डू यू तो डील विद इट, हाँ मैं और बताता बताना भी हूँ, क्या क्या है, कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो. तो गंदे गंदे आते हैं यार. पहले कोहे वोहे पे भी बहुत बार आए हैं, तो मेरे को पहले तो इतना ज्यादा गुस्सा आया था एक आदमी पे कि मैंने उसके उसका मेल आईडी लिया वहां से और मैंने उसको हैंगआउट पे कॉल कर दिया. मैं क्या नेक्स्ट लेवल पे बात चला गया. हाँ मैंने बोला कि है, तो भाई क्या आसो बोल दिक्कत है, लास्ट. हाँ क्या दिक्कत है तेरे को. तो उस बंदे ने मुझे एक ऐसी चीज बोली जो मेरे लिए लाइफ लेसन था. उसने मेरे को बोला कि अगर तुम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कोई वीडियो डालते हो और उस पे कमेंट झेलने की तुम में कैपेसिटी नहीं है, क्षमता नहीं है, तो तुमको नहीं डालना चाहिए. तो मैंने बोला यार ये बात तो सही है. और उस दिन के बाद से मैंने किसी भी हेट कमेंट पे ना तो रिएक्ट छोड़ किया. दिया. मैंने बोला छोड़ो नहीं भाई, फर्क नहीं पड़ता, जो जो बोल रहा है वो उसका ओपिनियन है, एट द एंड ऑफ द डे वही है ना. आप अपन को जो करना है अपन डेमोक्रेसी है. करते रहो. हाँ चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, हेट कमेंट आते रहते हैं. कल ही मैंने एक व्लॉग डाला था, ये अच्छा मतलब मैं लेने गया था सब्जी वगैरह, मोर गया था. अच्छा नहीं मोर लेने गया था सब्जी, तो ओके. तो मैंने ब्लॉग बनाया एंड देन उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं कर सकते ब्लॉग, तो मैंने वो भी डाला कि ऐसे सिचुएशन में ब्लॉग बनाना अच्छी बात नहीं है, तो मैंने 2 मिनट में ब्लॉग बंद कर दिया. लेकिन हाँ देखा उसके मैंने. बाद मेरे को, हाँ तो उसके बाद मेरे को मैसेजेस आए, डीएम आए कि भाई तू ऐसा ब्लॉग बना रहा है तो गलत मैसेज जाएगा, लोग बाहर निकलेगा. मैं बोला भाई उसमें लिखा है मैंने कि मत जाओ, ये गलत है. देन फिर भी पता नहीं लोग कैसा इंटेंशन से कोई क्या लेगा ना, कुछ बोल नहीं सकते, इवन इन कॉमेडी एंड इवन इन एनी कॉन्टेंट यू क्रिएट.
वो तो है ही ना भाई यार, हर तरह के लोग हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हर आदमी का जो एटमॉस्फेयर है और जिस हिसाब से वो बड़ा हुआ है वो अलग है, तो तुमको जो लग रहा है वो नेसेसरली वो तुम्हारे लिए सही हो सकता है, उसके लिए नहीं है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड हिज पर्सपेक्टिव, और वो बहुत बड़ी चीज है। अगर आदमी ये सब समझने लग जाए ना तो हेट कमेंट और ये सब होंगे ही नहीं, मतलब क्यों अगर किसी ने कुछ किया है। अभी कितनी बार मुझे भी लगता है लोग इतने चैलेंज कर रहे हैं, डेलगोना कॉफी का चैलेंज, कोई साड़ी वाला चैलेंज, कुछ दस तरह के चैलेंज, तो मुझे इरिटेटिंग लगता है वो, बट आई नीड टू अंडरस्टैंड कि उनको खुशी मिल रही है उस चीज से, तो लेट देम बी हैप्पी ना, मुझे मुझे क्यों उनसे प्रॉब्लम। वो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, या उनका पर्सपेक्टिव समझो बोल रहे हो आप। हमेशा दूसरों का पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करना चाहिए रादर देन जस्ट ट्राइंग टू कॉन्ट्रडिक्ट या फिर रिटेलिएट जो बोल वो इम्पोर्टेंट है। नहीं मैं बोल रहा था कि हमने कितनी चीजें सोची थी करने की और आई डोंट नो उसमें से कितना हुआ है। मैं इसलिए मेरे को ये पॉडकास्टिंग का मेरे को फंडा बहुत पसंद है, बिकॉज ये ऐसी स्पॉन्टेनियस चीज है ना जो मैं चाहता हूँ कि ये कोई सोच के ना आए ज्यादा, हम जो है वो बातें करें, वो फ्लो रहे, ऐसा नहीं कि ये YouTube पे वीडियो हम लोग बनाते तो हम सब स्क्रिप्ट लिखते हैं, मैं भी बनाता हूँ तो मेरे को रहता है कि ये लाइन के बाद ये बोलूंगा, ये लाइन के बाद ये बोलूंगा, इससे फनी बनेगा लेकिन पॉडकास्ट मेरे को ऐसा लगता है कि यार बस एक कॉन्वर्सेशन हो, उसमें ऐसा गैप हो, ऑर्गेनिक हो, बहुत स्पॉन्टेनियस हो, और मैं ये लिस्ट भी लिखता हूँ तो ऐसा है कि ऑडियंस जो देख रही है तो उनको भी ऐसा ना हो कि बीच में ब्रेक हो गया लिंक, तो इसीलिए वो भी रहता है कि बेस है उसके लिए। देन गाइज आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि अक्षय जोशी हैज अ चैनल, यूट्यूब चैनल, सो प्लीज गो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू हिज चैनल एंड फॉलो हिम, बिकॉज ये पोस्ट करते रहते हैं कि ये कहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, और मोस्टली ये पुणे में करते हैं और काफी जगह जाते रहते हैं, और इनके ब्लॉग्स और वीडियोस आते रहते हैं, और ये काफी कंटेंट बनाते हैं गाइस। इनका लास्ट वीडियो जो न्यूज रिपोर्टर वाला है वो देखो तुम लोग उन्होंने उनके फ्रेंड्स को भी चांस दिया, और मैं चाहता हूँ आप मेरे को भी लो कभी वीडियो में टैलेंट। हाँ हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे आइडियाज हैं, बट वही है ना, सर मुंडाते ओले पड़े, मतलब अभी इतनी सारी चीजें करनी थी और लॉकडाउन हो गया, बट कोई बात नहीं, एवरीथिंग विल बी फाइन। एंड बहुत मजा आया सागर के साथ बात करके, अगर मेरा कोई भी फॉलोअर इस चीज को देख रहा है तो प्लीज गो एंड डेफिनेटली फॉलो सागर वी, बिकॉज ही इज डूइंग एन एक्सेप्शनल जॉब। अभी 40 के आसपास इनके ऑलरेडी पॉडकास्ट इन्होंने कर लिए, एंड आई एम श्योर ही इज गोइंग टू go right. for a long way, so taliya bhai aapke liye, thank you Bombay aapke liye bhi welcome poison girls